क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द नंबर एन इक्वल टू 7 to the power 100 माइनस 3 to the power 100। मतलब 7 to the power 100 माइनस 3 to the power 100 में जो अंतिम तीन डिजिट है उसे निकालना है। सॉल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार होगा। हम जानते हैं NCR इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। इस प्रकार हम कर सकते हैं 100 C0 इक्वल टू 100 C100 जिसकी वैल्यू 1 होगी। 100 C1 इक्वल टू 100 C100 में से 1 गया 99 जिसकी वैल्यू 100 होती है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2² × 5² 100 में से 2 जाएगा 98। इसकी इसका जो वैल्यू आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3² × 5² × 11 होगा। इसी प्रकार 100 में से 3 जाएगा 97। इसका जो वैल्यू आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2² × 3 × 5² × 7² × 11 होगा, है ना। अब हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 2। तब ए प्लस बी बराबर 5 + 2 माने 7 और ए माइनस बी बराबर 5 − 2 गया 3। देयरफोर एन इक्वल टू दिया गया कितना है, एन बराबर 7 to the power 100 माइनस 3 to the power 100 7 to the power 100 माइनस 3 to the power 100। 7 को हम कर सकते हैं ए प्लस बी, मीन्स ए प्लस बी टू द पावर 100 माइनस 3 को कर सकते हैं ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी टू द पावर 100। अब देखें ए प्लस बी टू द पावर 100 में का एक्सपेंशन क्या होगा, 100 सी 0 ए टू द पावर 100 प्लस 100 सी 1 ए टू द पावर 99 बी, 100 सी 2 ए टू द पावर 98 बी स्क्वायर प्लस 100 सी 3 ए टू द पावर 97 बी क्यूब प्लस प्लस। ऐसे करते करते लास्ट में जब जाएंगे तो होगा 100 सी 97 ए क्यूब बी टू द पावर 97 प्लस 100 सी 98 ए स्क्वायर
b to the power 98 plus 100 c 99 a b to the power 99 plus 100 c 100 b to the power 100. A expansion हमारा a plus b का होगा minus a minus b to the power 100 का expansion 100 c 0 a to the power 100 minus 100 c 1 a to the power 99 b plus 100 c 2 a to the power 98 b squared minus 100 c 3 a to the power 97 b cube plus करते करते यहां पर प्लस 100 c 97 चूंकि ये ऑड पावर इसलिए माइनस होगा माइनस 100 c 97 a क्यूब b टू द पावर 97 प्लस 100 c 98 a स्क्वायर b टू द पावर 98 माइनस 100 c 99 a b to the power 99 plus 100 c 100 b to the power 100 है ना. अब देखिए यहां पर क्या आएगा 100 c 0 100 ये माइनस है. जब माइनस खुलेगा तो ये साइन इसका माइनस हो जाएगा तो इससे इससे ये तब कट जाएगा है ना क्योंकि ये प्लस है यहां माइनस है. यहां पर ये टर्म प्लस है यहां पर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा मतलब रिजल्ट क्या होगा 2 ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे 100 c1 a टू द पावर 99 b है ना. अच्छा इसी प्रकार यहां पर a प्लस है ब्रैकेट खुलेगा a माइनस और a माइनस और a प्लस मिलकर माइनस मतलब a 90 a टर्म से a टर्म कैंसिल हो जाएगा. यहां पर क्या बचेगा a माइनस प्लस 200 c 3 a टू द पावर 97 b टू द पावर 9 b to the power 3 बचेगा 2 चूंकि बाहर ले लिया जा चुका है इसलिए प्लस 100 c 3 a to the power 97 b cube प्लस. नीचे भी प्लस इसी प्रकार यहां भी देखिए एटम प्लस है माइनस ऑफ माइनस प्लस मींस 100 सी 97 ए क्यूब बी टू द पावर 97 एटम से एटम कैंसिल प्लस 100 c 99 a b to the power 99 a बचेगा है ना. टू इंटू 100 c 1 100 c 1 का फैक्टर है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर
2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ए का वैल्यू 5 है, 5 टू द पावर 99, और बी के वैल्यू 2 है इंटू 2 प्लस 100 C3 का वैल्यू ए है ना, क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11, ए का वैल्यू है 5 इंटू 5 टू द पावर 97 और बी की वैल्यू है 2 मीन्स 2 क्यूब प्लस 100C97 की वैल्यू भी ये है, क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11, ए क्यूब, ए का वैल्यू 5 है, 5 क्यूब इंटू, बी की वैल्यू है 2 टू द पावर 97 प्लस 100C99 का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू ए के लिए 5 और बी के लिए 2 तो यहां पर आ गया कितना 2 इंटू यहां पे 2 का पावर 2 प्लस 1 3 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 101 प्लस 2 का पावर यहां 2 और यहां 3 प्लस 2 5 इंटू 3 5 टू द पावर 2 और ए 97 मीन्स 99 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 प्लस यहां पर देखें 2 का पावर 2 और यहां पे 97 2 टू द पावर 99 3 5 टू द पावर 2 और ए 3 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 प्लस 2 टू द पावर 101 इंटू 5 क्यूब आ गया। इसको हम कर सकते 2 इंटू 2 टू द पावर देखिए 3 2 इंटू ए 2 टू द पावर 3 यहां है, यहां 5 है, यहां 99 है, यहां पर 101 है, माने 2 टू द पावर 3 को कॉमन लिया जा सकता है। इसी प्रकार यहां पर 5 टू द पावर 3 है, यहां 5 है, यहां 99 है, यहां 5 है, माने 5 क्यूब को कॉमन लिया जा सकता है। एक कॉमन लेने पर हमें क्या बचेगा 5 टू द पावर 101 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर, क्योंकि 3 कॉमन लिया जा सक गया है 96 प्लस
टू टू द पावर थ्री बाहर लिया जा चुका है, 96 इंटू थ्री इंटू फाइव स्क्वायर इंटू सेवन स्क्वायर इंटू इलेवन प्लस 2 टू द पावर प्लस 2 टू द पावर 3 कॉमन लिया जा चुका है, तो इसमें से 3 जाने पर 98, यानी a हो गया कितना 2 क्यूब, मन 2 इंटू 5, 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब मीन्स 10 क्यूब, मैंने 1000 इंटू 2000, 2000 इंटू मान लेते हैं पूरे टर्म का वैल्यू है लेमडा। तो इसे हम कर सकते हैं 2 लेमडा इंटू 1000। अगर किसी नंबर में हम 1000 का मल्टीप्लाई करें तो अंत में क्या आएगा, ये 3 जीरो ही आएगा। देयरफॉर लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एन ईच 0 0 0, है ना, लास्ट 3 डिजिट 0 ही होगा, 3 जीरो होगा। ओके okay?